ज़िंदगी पानी के बगैर मुमकिन नहीं, और सहरा में रहने वाले लोग भी पानी की तलाश में ऐसी जगहों पे, इनको ये टोबे कहते हैं, छोटे छोटे से वाटर पॉन्ड्स, जहाँ इनको ये पानी मिल जाता है वहाँ पे अपना ये गांव आबाद कर लेते हैं। इस वक्त मैं हूँ चोलिस्तान के अंदर, इस जगह का नाम है टोबा जुम्मे वाला। ये लोग एक छोटा सा एक कुनबा है, एक ख़ानदान है। ये लोग ऊँट पालते हैं, गाय पालते हैं, भेड़ें पालते हैं, बकरियां पालते हैं, और यही इनका बिज़नेस है। और ये सहरा के अंदर रहते हैं और यही इनका ज़रिया मुआश है। यहाँ के कोई ख़ास खेती बाड़ी नहीं है, बल्कि खेती बाड़ी है ही नहीं, दिन रात ये इसी सहरा के माहौल में रहते हैं। यहीं पे इनके बच्चे होते हैं, यहीं पे इनकी बकौल इनके के सदियों से ये लोग यहीं पे आबाद हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यहाँ क्या होने वाला है। ओ अच्छा, ऊंटनी का दूध धोया जा रहा है। ये एक जबरदस्त मंजर है और ये किसी एडवेंचर से कम नहीं। यहाँ हर रोज़ दो दफ़ा ये एडवेंचर होता है, मगर फिर भी ये लोग इस अमल को बहुत एंजॉय करते हैं। ये इन्होंने मुझे कहा है कि इसमें बड़ी शिफा है और बड़ी इसमें ताकत है। आप लोग शहरों में जो रहने वाले हैं वो डब्बे का दूध पीते हैं, और हम लोग यहाँ पे ऊँट का दूध पीते हैं। तो आप इनकी गारंटी पे मैं जो है ना ऊँट का दूध पीने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पीने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। किस तरह टेस्ट? तो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। मिठास भी है, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, और जो हम जो डब्बे का दूध पीते हैं उससे तो ये 100 गुना बेहतर है जो ऊँट का दूध है। जबरदस्त, बहुत आला। गांव से एक ही वक्त में मवेशियों का पानी पीने के लिए इकट्ठे निकलना हॉलीवुड की फिल्म का सीन पेश कर रहा है, जिसको मैं लाइव एंजॉय कर रहा हूं और आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं। छोटे बच्चे भी वैश्यों को पानी पिलाने में
बड़ों का मुकम्मल साथ देते हैं और ये काम बड़ी जिम्मेदारी से सर अंजाम देते हैं। किसी एक जानवर का रेवड़ से निकलकर भागना और उसके पीछे मालिक का भागना, मेरे लिए तो ये मंजर कमाल का फन पेश कर रहा है। कोशिश कर बन जाएगा बेफाम। पढ़न का शौक है नहीं, पढ़ना चाहना है? हाँ। स्कूल जाना है? हाँ। एबीसी आंदी? हाँ। एबीसी क्या नहीं आंदी? कौन आंदी है? कौन मरे ना बेटे? अच्छा एबीसी सुनवा वाल क्या सुनवा? एबीसी डी एल एम ओ पी क्यू गलत तो है ना भाई? तेनु आंदी? हाँ हाँ सुना। एबीसी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा और गिनतियां? गिनतियां नहीं। हाँ सुना। एक दू त्राई चार पांच छी सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अठावी उनतरी तरीही कतरी बत्तरी तैंतरी चौंतरी पैंतरी छतरी सतहत्तरी उनतालीस चालीस इकतालीस तैंतालीस चौंतालीस पैंतालीस छतालीस सैंतालीस उनवंजा पंजा इकवंजा बवंजा तिरवंजा चौरवंजा उनहठ सठ इकहठ बहठ तिरहठ चौरहठ पंजहठ छठ सतहठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर तिहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर सतहत्तर। एक तरफ अगर बच्चों की मासूमियत सहरा में खुशियां बखेर रही है तो दूसरी तरफ एक दुख का पहलू भी है। इंसान और जानवर दोनों ही इस टोबे से पानी पीते हैं जो कि बीमारियों का बायस बन जाता है। अगर पानी मुयस्सर हो तो सहरा के बासी हर वक्त खुश रहते हैं और खेल कूद में मसरूफ रहते हैं। आवे सिंधड़ी छोड़ रवाने थे आए हम आज रोही दे सुन बरगू अखी नाल ना देखम दिल भर आज नहीं भी करार सबर तू चाचड़ महज ना भांदे दिल को
अज रह गिल सोच जिगर गुआ यार फरीद टुरुआ पैतल सट सारे नाज फकर तू फामल लजिए परू अपन रल मिल चंगा चराम चन टो भे तार मता रो चन मटिया दे घुबका अर तेरो ही वफ पइए चन टो भे तार मता रो चन मटिया दे घुबका अर तेरो ही वफ पइए गो 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 ना हो रहा अभी 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 एक वीडियो देखो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो दोनों पढ़ लो पढ़ लो ओ पढ़ है पढ़ खाली है खाली ये बड़ा ना ओ देखो थल्ले डिग पई और बच्चे किथे तू ले ले ये घास फूस के बने गोपे जदीद सहूलतों से आरास्ता तो नहीं मगर जिंदगी से भरपूर और खुशियों से भरे हुए हैं। गोया ये साबित कर रहे हैं कि खुशी का सहूलियात से कोई ताल्लुक नहीं। रोही तो साढ़े दादे ही सही रह गए प्यू ही सही रह गए पर दादे सही रह गए सही जगह जय जमे तो इतने सत पीढ़ियां गुजरिया हुई हैं दस बैठे हैं बारिश ठीक होवे तो ढी खुशी होती है सबको साढ़े माल ही खुश होते नसा ही खुश होते हैं बारिश ना थी तो वाला औखे थी जाए पानी ना होया पट्ठा ना होया वाला औखे थी जाए ढे छेड़छाड़ कर देना असा कर दे